अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक नया दिन और नई उम्मीद के साथ आइए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। ये मंडे करीब 11:30-12 बजे का वक्त है। घर का सारा काम हो गया था, बच्चों के लिए मैं खाना दे रही थी, फटाफट अपना भी नाश्ता बना ली। आपने लास्ट ब्लॉग में देखा है कि मैं हरा मूंग का पराठा बनाई थी, वो एक बज गया था, उसको गरम की यहाँ पे एक डोसा भी बन गया था, इसका थोड़ा सा बैटर रखा हुआ था, इसका डोसा बना ली और चाय रख दी थी और एक हाफ बॉयल बना ली थी। हाफ बॉयल बोलते इन्हें पोर्च बोलते हैं। और नाश्ता और लंच दोनों हो गया था। मुझे बाहर निकलना था कुछ काम से, संडे मेरा फ़ोन गिर गया था इसलिए चार्ज नहीं हो रहा था, तो फ़ोन को मैं घर पे रख के गई थी। बच्चे यहाँ पे सो रहे थे, आराम कर रहे थे, ना खाना हो गया था माशाल्लाह, चूँकि यहाँ पे बैठा हुआ था और मैं नमाज पढ़ के मैं बाहर निकल गई थी, मैं फ़ोन लेके नहीं निकली थी। वापस आते आते मेरा असर का वक्त हो गया था, बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मगरिब के बाद ही मैं खाना बनाने गई। कोशिश यही है ना कि हल्के हल्के शिफ्टिंग वाला काम कर लूँ, क्योंकि मुझे अकेला ही करना है, एक साथ नहीं हो पाएगा। जाने से पहले मैं राजमा बॉईल करके गई थी, बस मुझे उसको मसाले में भुनना बाकी था। सारा बेसिक मसाला था, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, और मैं टमाटर और प्याज का प्यूरी बना ली थी। यहाँ पे तेल गरम करके पहले मैं भिंडी बना ली, आलू मोटे मोटे काटे थे, उसको हार्ड फ्राई की। उसको करने से क्या होता है ना कि भिंडी तो पहले गल जाता है, आलू कड़ा रह जाता है, इसलिए मैं आलू को पहले फ्राई करके भिंडी डाल दी, उसमें थोड़ा सा लहसुन कुटा हुआ डाली थी, ज़ीरा डाली, नमक डाली और फिर उसको ढक दी, वो सिम में होता रहा आहिस्ता आहिस्ता, और फिर मैं राजमा का मैं रेडी कर ली। सरसों का तेल में अच्छे तरीके से गरम कर ली और उसमें भी कूटा हुआ लहसुन पहले डाली, फिर जो मैं प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाई थी उसको डाल दी और अच्छे तरीके से उसको भूनने लगी कि उसका कच्चापन निकल जाए। 2-3 मिनट भूनने के बाद इसमें नमक डाली और फिर जो बेसिक मसाले जितने थे, कसूरी मेथी, हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च और गरम मसाला हल्का सा, सारा डाल दी। और जी मैं 2 चम्मच दही भी डाली थी। इसके बाद अच्छे तरीके से इसका भुनाई की, जैसे ही तेल छोड़ने लगा जो बॉईल किया हुआ राजमा था उसको मैंने मिला दिया, और मिलाने के बाद उसको अच्छी तरीके से मैंने उसको पकने दिया। भिंडी बन चुकी थी, राजमा भी हल्के हल्के मतलब पक रहा था, और उस तरफ मैं चावल रेडी कर ली। उसको मैं थोड़ा सा ज़ीरा और हरा धनिया में छौंक लगा दी और फिर जो राजमा का पानी था थोड़ा सा उसको मिलाकर मैं दम लगा दी, और जैसे ही राजमा भी रेडी हो गए तो उसमें मैं हरा धनिया लगाकर उसको ढक दी। और ये रहा कोनू, आप लोगों को दिखाएगा कि कैसे बना खाना। तो राजमा डन, उस तरफ चावल भी हो गया था, बड़ा ही खिला खिला बना था, और दूसरी तरफ भिंडी भी हो गई थी और बच्चे लोगों को चावल भी हो गया था माशाल्लाह। बच्चों को खाना दे दिया, ईशा भी मैं पढ़ चुकी थी, उसके बाद मैं खाना खाई। सुबह को मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि हल्का हल्का बुखार है, फिर भी काम तो करना पड़ेगा, और मैं जब फ्रिज चेक की तो सब्ज़ी ख़त्म हो गए थे और मेरा वाइपर भी टूट गया था। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी 11:30-11 बजे तक सारा काम मेरा हो गया था, और यहाँ पे आप देख रहे हैं बर्तन सारे मेरे धुल चुके थे, किचन मैं सेट करने आ गई थी। बच्चों को तो उठ के मैं खाना दे देती हूँ एक बार 7:30-8 बजे, अभी देर हो जाता है करीब, फिर और एक बार उन लोग को दे देते कि जब तक मैं बाहर से वापस आऊँ उन लोग को भूख ना लगे।
हाँ, आज मैं इन लोगों को कर्ड राइस डाली थी। शौक से तो बिल्कुल इन लोग नहीं खाते हैं, लेकिन मैं हफ्ते में 2-3 बार दे देती हूँ। डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि कर्ड राइस डेली दिया करो, लेकिन इन लोग नहीं खाते, भूखे रह जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, ऊपर से थोड़ा सा वो विस्कस का पाउडर डाल देती हूँ, उसी के खुशबू से इन लोग खा लेते हैं। यहाँ मैं रात का जो राजमा चावल था, इसको भी मैं निकाल ली, ज़्यादा करके बनाई थी क्योंकि मुझे लंच नहीं बनाना था, बाहर निकलना रहता है ना, तो वापसी में 4 साढ़े 4 बज जाता है। आज मैं ना मस्जिद के रास्ते से गई, दिल बड़ा उदास हो गया। किसे पता था कि रमज़ान यहाँ लास्ट होगा, किस्मत कहीं और ले चल रही है। रमज़ानों में तरावी पढ़ने मैं यहीं आया करती थी, माशाल्लाह क्या रौनक होती थी, और बड़ी रातों में तो और ज़्यादा रौनक होती थी। खैर, अल्लाह पाक जहाँ ले चले खैर और बरकत अता करे, आमीन सुमा आमीन। मस्जिद की ये छोटी सी गेट है ना, तो बाएं तरफ जैसे आप आगे चलोगे तो बाएं तरफ हॉल मिलेगा, यहीं पे लेडीज़ की जमात होती थी। आप यकीन माने, मैं हमेशा, मेरा ये कोशिश रहता था कि मैं सबसे पहले आऊँ। नहीं, लेकिन जीनत आंटी सबसे पहले आती थी, मैं दूसरे नंबर पे होती थी, कभी कभी मैं पहले भी पहुंच जाती थी, लेकिन ज़्यादातर जीनत आंटी पहले आती थी। और चलते चलते मुझे यहाँ के केयर टेकर मिल गए, जो मुर्शिदाबाद के हैं, उनसे बात हुई और फिर मैं आगे निकल गई। रिलायंस में मुझे गाला का वाइपर नहीं मिला जो यूज़ करती हूँ, स्कॉच ब्राइट का था जो 600 रुपये था, 550-600 वैसी था, जो मेरा बजट में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं मार्केट निकल गई कि अगर एक बार मुझे दूसरा कोई मतलब अच्छा ब्रांड का मिल जाए, क्योंकि डी मार्ट से मैं लेके आती हूँ और मुझे डी मार्ट नहीं जाना था एक चीज़ के लिए। तो मैं सोची फ़िलहाल मतलब ऑर्डिनरी ले लेती हूँ, फिर बाद में इंशाल्लाह देखा जाएगा। पता नहीं मुझे क्या हुआ, जो नॉर्मल रास्ते से मैं जाती हूँ उसके मैं उल्टे तरफ से चली गई, और वो वहाँ पे भी जाके देखी, रास्ता पूरा ब्लॉक था, कि भी वहाँ पे बिल्डिंग फोड़ के रखे हैं। रिलायंस से आकर ना मैं गेट के पास रख दी थी सब्जी का बैग और मैं मार्केट निकल गई थी। तो ये बहुत ज़्यादा लंबा चल गई थी ना, और मेरा हालत ख़राब हो रहा था। जैसे गेट खोली, मोमो निकल जाता है बाहर हमेशा के जैसे, बाकी बच्चे मेरे अंदर थे। बच्चों ने ज़्यादा दही चावल नहीं खाया था, विस्कस मिलाई, उन लोगों को दी, फिर मैं खाना खाई और इतना थक गई थी, जाके मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई, शाम को उठी। ये असर का वक्त है, बच्चों को मैं खाना डाल दी फिर से और मैं चाय रख दी क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था, और फ्रिज को साफ़ करना था, उसमें से जो फालतू चीज़ को बाहर करना था और जो सब्जी मैं लेके आई थी उसको सेट करना था। देखिए कितना देर बाद आया ही है, दोपहर के वक्त में जब आई थी तब वो निकला था, अब शाम हो रहा है इस वक्त आया है, वो घूमता रहता है, ये मोमो है। और मैं फ्रिज साफ़ करने मगरिब के बाद आई, यकीन माने इतना मिट्टी निकला है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम पीछे हो रहा है और बहुत ज़्यादा इसमें मैल भी बैठ गया था।
और मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इतना देर हो जाएगा, 1.5-2 घंटा लग गया था, क्योंकि मैं खुद उठ बैठ कर रही थी, खुद किचन में से जा रही थी, धो के लेके आ रही थी। अच्छा, तो फ्रिज का काम हो जाने के बाद मैं जब किचन आई तो मुझे खाना बनाना था। अब मैं खाना में क्या बनाऊँ, उससे पहले मुझे और एक काम करना था। ओजरी में लेके आई थी मार्केट से, और ओजरी को साफ़ करना बड़ा ही सरदर्द है। बहरहाल मुझे मैं सीख गई थी इसको कैसे सफाई किया जाता है, इसका टिप मैं बताती हूँ मैं आपको, आगे देखते रहिए। और फटाफट काम हो गए थे। पहले तो मैं इसको यहाँ पर सेटिंग कर दी, किचन को पूरा साफ़ कर दी कि जब ये मैं सफाई करूँ कोई भी चीज़ गंदा ना हो। मुझे ना थोड़ा बड़ा बर्तन में पानी रखना चाहिए था, कढ़ाई में नहीं रखना चाहिए था। बहरहाल यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्दी डाल दी थी और उसको अच्छी तरीके से खौलने दी। जैसे ये खौलने लगा तो मैं ओजी डाल दी इसमें कि पूरा इसमें डूब जाए, थोड़ा सा भी बाहर ना रहे। लेकिन क्या हुआ, जैसे मैं डाली ना तो पानी बाहर आ गया और थोड़ा सा गंदगी भी हो गया था। बहरहाल इसको मैं साफ़ कर ली थी बाद में, लेकिन बर्तन जो था, कढ़ाई जो था, छोटा पड़ गया था। सफाई अंदर चल रहा था, मैं गेट बंद करके करी थी क्योंकि लोग सारे के सारे बाहर बैठे हुए थे। बहरहाल आप जब भी ओजरी बनाए ना, ज़्यादा कुछ ना डालें उसमें, कोई चूना डालता है या बेकिंग सोडा डालता है, आप बस एक सिंपल सा तरीका करें, उसमें खोलता हुआ पानी में उसको 5-7 मिनट बॉईल करें और बहुत अच्छी तरीके से वो साफ़ हो जाता है। यहाँ पर मैं कुकर में धनिया, हल्दी, तेज़पत्ता डाल के इसको 1 घंटा मैं रख दी थी सिम में, और करीब करीब 11:30 बजे तक ये हो गया था। आज का दिन यूं ही निकल गया, पता ही नहीं चला, काम में पूरा लग गई थी। तबीयत भी मेरा ठीक नहीं था, हल्का बुखार था। खैर मैं कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, शिफ्टिंग के पहले इतना कोशिश कर रही हूँ कि मेरा काम जितना हो सकता है मैं समेट लूँ, क्योंकि सामान जितना फालतू सामान है उसको निकालने में ही लग गई हूँ। और यहाँ पे मुझे शदीद की भूख लगी थी और दिल बिल्कुल नहीं करा था कि मैं कुछ ज़्यादा बनाऊँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं थकी हुई थी, जो जल्दी बनता है। और रात का 11:30-12 हो रहा था तो मैं बना ली। और उसके बाद मैं कुकर जब खोली ना तो बहुत अच्छा मुझे लगा, क्योंकि वो गल गया था, और सोची कि थोड़ा और ज़्यादा गल जाता ना तो बहुत ही अच्छा रहता, कि उसको खाने में जितना आप उसको सॉफ्ट बनाओगे ना, जितना वो सॉफ्ट होगा उतना ही अच्छा लगेगा खाने में। बस क्या था, इसको मसाले में भूनना बाकी था और कुछ नहीं। यहाँ मेरा डिनर रेडी हो गया और आप देखिए फ्रिज का फाइनल लुक, सफाई के बाद कैसा लग रहा है माशाल्लाह। तो ये था आज का व्लॉग। वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा है, अपना जैसा लगा है, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। किशमिश फैमिली को हमेशा अपना दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आपकी सारी मुसीबतों, तकलीफ़ों को दूर करे, आबाद रखे, खुश रखे, अपना बहुत ख्याल रखे और बेज़ुबानों का भी ख्याल रखे। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।